सरकार की कोई भी क्रिया की है, गणन आदि भी किया है, वो भी चला जाए। तांत्रिक ने प्रेत भेजा है, पितृ भेजा है, या किसी देवता को, अपने देवता को भेजा है, क्योंकि कई बार तांत्रिक देवता तो भेज देता है मारण करने के लिए, और जब तक मारण नहीं हो जाता उसका देवता वापिस लौटता ही नहीं है, वो आपके अंदर जगह बना लेता है। इस प्रकार मैंने आपको तांत्रिक की एक क्रिया और बताई। तांत्रिक क्या करते हैं, आपके पैर की मिट्टी लेते हैं, चौराहे से मिट्टी तत्क्षण उसी समय उठाते हैं, फिर एक गुड़िया बनाते हैं, उस गुड़िया में भी आपका कोई कपड़ा वगैरह ले लेते हैं, कोई भी सामान ले लेते हैं, उसमें मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके, ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अथवा तो धारणा कर लेते हैं कि ये वही है, उसी में उसको देखने लगते हैं, शत्रु बना लेते हैं, उसकी आग पे तपाई करते हैं तो उसको ज्वर चढ़ जाता है, उसको सुइयां चुभाते हैं तो भाई आदमी मारा जाता है, ठीक है, यानी कि उसको चुभन महसूस होती है जगह जगह पे, कोई सर में सुइयां चुभता है तो सर में दर्द होने लगता है, लगातार निरंतर वो पीड़ा बनी रहती है। इसके अलावा तांत्रिक अपने इष्ट की आपके अंदर क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, और जब वो स्थापना कर देता है तो उसके इष्ट कौन कौन होते हैं ये भी देखो, उसका इष्ट होता है मरघट काली, उसका इष्ट होता है मशानी, उसकी इष्ट होती है कोई क्षेत्रीय देवी, कोई क्षेत्रीय देवता, बुलाकी जैसे बाबा, और ऐसे वो जो पवन बाबा है, कल भी मेरे को बताया था किसी ने किसी को पवन बाबा किसी ने ग्रहण कर लिए, उसके माँ बाप दुखी हो रहे हैं, वो रोजाना भूत निकालते हैं उसी के घर में रह जाते हैं, ठीक है ना। तकरीबन तो हम जितने भी कार्य करने वाले लोग संसार में बैठे हैं उनको यही नहीं पता कि ये किसी के अंदर से प्रेत को उठा लेते हैं तो आपके घर में ही छोड़ देते हैं, वो क्या करेगा, वो बाबा ऐसा नहीं है जो उसको मिटा देगा, आगे ना समझ में। और इनके 20 मंत्रों से भी अगर हमने इनका 20 मंत्र जपा, पहली बात तो इनके मंत्र बनाए ऐसे उल्टे सीधे, ठीक है ना। बहुत सारे जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो काली माता का भी ऐसा ही मंत्र बना दिया, है काली काली ब्रह्मा की साली, इंद्र की साली ब्रह्मा की बेटी, इंद्र की साली, ऐसे ऐसे मंत्र रस डाले अपने अपने उससे, ठीक है। देखो इसमें यही देख लो, वन में जाए बांधरी आधा ही फल खाए, है खरे हनुमत वो दे हाथ दे आधा सीसी जाए, क्या भाई मंत्र है ये, ऐसे ही उन्होंने बना लिया कि वन में जाए बांधरी आधा ही फल खाए और खरे मोहम्मद हाक दे आधा सीसी जय। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र, ऐसे भी बहुत सारे मंत्र हैं जो जिनमें मुस्लिमों ने बना लिए, कुछ तो उन्होंने बना लिया है, हनुमत बांधू, राम बांधू, सीता बांधू, लक्ष्मण बांधू, बांधू सारे पहाड़ नदियां बांधू, गंगा बांधू, इस तरह के बना लिया, ठीक है। तो हिंदू भी कम नहीं है, उन्होंने भी बना लिए, उन्होंने क्या बना लिए, उन्होंने भी यही बना लिए, मोहम्मद बांधू, ठीक है ना, ऐसे तो ऐसे वो बना लिए, अल्लाह बांधू, ऐसे ऐसे कर लिए, मतलब एक दूसरे की उलट भी कर दी, ठीक है कि नहीं। कि आपके 64 योगनी 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 बांधू, भाई 64 योगनी किसको कहते हैं ये तो पता हो, शक्ति तत्व है, उसमें यंत्र मंत्र और तंत्राधिक बहुत सारी क्रियाएं उनसे उत्पन्न होती है, लेकिन वो शक्ति तत्व ऐसा नहीं है, सामान्य नहीं है, वो कोई क्षेत्रीय देवी देवता नहीं है, जितने क्षेत्रीय देवी देवता है वो तो उनसे ऊपर से जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 10 महाविद्याओं की जो सेवा करता है उसकी सेवा यक्षिणी अपने आप करती है, आगे ना समझ में, मतलब वो सेवा कार्य के लिए उसको मिलती है, कोई वीडियो बनाना चाहता है बना सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, तो वो सेवा के लिए तो उसको खुद ही यक्षिणी आगे ना ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है जब वो सेवा करता है, तो मतलब जितने बड़े वो देवी देवता है उतने तो उसके पास सिद्धि आ जाती है, आगे ना। योगिनी का मतलब ये है, ऐसे नहीं है, है कि नहीं। एक डाकनी है, बहुत धर्म वाले लोग उनको पूछते हैं, उनको माता बांध के पूछते हैं, उनसे बहुत सारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं और वो उनको मूल में मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवता, जैसे भैरव है तो भैरव भगवान शंकर का साक्षात रूप है, वो शमशान में भी काम करते हैं, वैसे भी निवास करते हैं, शनिदेव महाराज शमशान के भी निवासी है, लेकिन ये थोड़े ना कि शमशान के निवासी है तो लोगों को भक्ति प्रदान नहीं करते, ऐसे नहीं है। कितने सारे आत्मज्ञानी है, वो जो बात करते हैं मनु भैया की बातों में आप लोगों को वो सब झलकता है, उनके अनुभव में वो आप सबको झलकता है, झलकता है कि नहीं झलकता है, बताइए किसने हमारी वाणी सुनी है, और कौन जानता है कि मनु भैया आत्मदर्शी है भगवत दर्शी है, कौन कौन जानता है, देखिए बस यही है। हम तो कहते हैं अगर हमने इन हाथों से उसको छुआ है, इन आंखों से देखा है और कानों से सुना है तो आप सबका कल्याण हो ही होगा। हमारा मंत्र आपने देखा, अभी मैं जो
छठे में है वो भी मैं आपको दे रहा हूं। ये मंत्र दीक्षा के लिए भी है, आपको शिक्षा के लिए भी है। शिक्षा इसलिए क्योंकि हमारे जो बीजों का संयोजन है ना, जब हम उसको नाद के सारे सुनते हैं तो अपना कल्याण करते ही करते हैं, वो हमारी आस्था, हमारी तीन चीज उसमें लगती है, हमारा प्राण लगता है, हमारी वाणी लगती है, हमारा क्या लगता है, प्राण लगता है, हमारी वाणी लगती है और इच्छा शक्ति लगती है। इच्छा शक्ति प्राण में ही आ जाती है वैसे, ठीक है ना, और हमारी भक्ति लगती है। ये तीन चीजें आपने शामिल करनी है, भक्ति प्राण यानी कि प्राणपन से यानी कि इच्छा शक्ति से, और तीसरा क्या बताया मैंने, संकल्प तो इच्छा ही है, अपराध शक्ति भी इच्छा ही है, भक्ति से और वाणी से। तो वाणी से आपने जप करना है, ठीक है ना, आपने अपने संकल्प को बनाए रखना है और भक्ति आत्म श्रद्धा उस देवता के प्रति होनी ही होनी चाहिए। तो मंत्र का संयोजन है, आपका नाद ठीक से चलेगा, आप पर करुणा ठीक से होगी, ठीक है ना। सबने ये भजना है, सबने ये जपना है। साथ में मैं आपको न्यास बताऊंगा, जब भज को आप पहले से न्यास करेंगे तो उत्तमता से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा ही। बोलो शंकर भगवान की जय, हरिदेव महाराज की जय। भाई जितने पर्चे हैं सबको दे दिए जाए, और जिनके पास पर्चे ना हो वो सुनेंगे, ठीक है ना, और अपने फोन में उसकी कॉपी कर लेंगे। एक आदमी को छोड़ के एक को दे दो और एक फोटो से ले लेगा, बाकी वैसे कर लेंगे। ओके, ऐसे करो ना, एक लाइन में एक आदमी को छोड़ के दे दो, फिर जो बचेंगे वैसे दे देंगे। बटवाओ, दो तीन लड़के खड़े होकर बटवा दो। आप लोग बैठे रहेंगे अपनी जगह पे, आप वहीं बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे मुझे साथ साथ। एक को छोड़ के एक को दे दो, बाकी फोटो खींच लेंगे। तो अभी एक मौका मैं उनको भी दे दूंगा जो लोग मान सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि वो देव कृपा से ही आए हैं, उनके साथ सहयोग ही बनाए। एक को छोड़ के एक को दे, एक लाइन में लाइन वाइज दो, लाइन वाइज ऐसे मत बांटो, एक को छोड़ के एक को दो, सबको मिलेगा भाई, मिलेगा सबको, घबराए नहीं, हम इतनी देर में कॉपी करके मंगवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी में देख लेना, फोटो ले घर पे जाके लिख लिया, अपने फोन से फोटो भी ले सकते हैं, न्यास सही था वो, अपने फोन से फोटो भी ले सकते हैं।